हाय गाइस, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ नया, जो कि हिमालय से है। तो अभी हिमालय ने लॉन्च किया है ये काजल, जो कि न्यूली लॉन्चेस हिमालय का काजल है, जिसे मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इससे भी पहले मैंने कुछ लॉन्चेस हिमालय के प्रोडक्ट आपके सामने रिव्यू करे हैं, आपको यूज करके भी दिखाए हैं, और अब वो उन पर व्यू भी बहुत अच्छे आए हैं, आपको वो काफ़ी पसंद आए एंड थैंक यू सो मच। तो आज मैं आपके सामने रिव्यू करूँगी एंड मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगी कि हिमालय का प्रोडक्ट किस तरह से है, किस तरह से काम करता है, और जिस पर ये मेंशन किया हुआ है, दावा करता है कि जैसे 100% नेचुरल ब्लैक कलर, तो ये हैवी या नहीं है, तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी। तो वीडियो को मूव ऑन करने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी आपको डिटेल्स बताऊंगी पूरी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लगा के ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए, जैसे कि इस पर इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग है, लाइक इसकी पैकेजिंग लैक्मी मेवलिन एलेटिंग की तरह इसकी सेम पैकेजिंग है। तो इस पर लिखा हुआ है पहले हिमालय 1930 प्योर एक्सप्रेशन काजल, इस पर लिखा हुआ है 100% नेचुरल ब्लैक कलर वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ, ये दावा करता है। एंड इसका वेट है 30 ग्राम है इसमें, 30 ग्राम इसमें प्रोडक्ट मिलेगा हमें। एंड इस पर पीछे ये मेंशन किया हुआ है प्योर एक्सप्रेशन काजल 100% नेचुरल ब्लैक कलर देता है ये, नो सिंथेटिक्स, इसमें कोई भी सिंथेटिक्स कलर नहीं है, वाटर प्रूफ है ये, स्मच प्रूफ है ये, स्मच नहीं होगा एंड वाटर प्रूफ है, जो कि हम देख ही लेंगे आगे कि ये दावा करता है जो है या नहीं है। एंड पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, इसमें पैराबिन नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है इसके लिए। एंड ये सूटेबल फॉर कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स, ये सूटे जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस जो कि सूट करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस जो कि यूज करते हैं उनके लिए हर काजल्स वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, इरिटेशन होता है उन्हें, तो ये उसके लिए सूटेबल्स है। उन्होंने ये अच्छी बात इसमें की है कि ये उनके लिए है, उन्हें कोई भी यूज कर सकता है। और इसकी सेल्फ लाइफ है 2019 से 2021, मतलब 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ दे रहा है ये हमें। और 0.30 ग्राम प्रोडक्ट का इसका MRP है 170 रुपये, तो ये 170 रुपये में हमें ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो इसकी MRP तो लाइक ना जैसे लैक्मी है मेबिलिन वगैरह उसी से सेम है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसी की तरह है। तो इसे यूज करके भी देखेंगे कि उनसे ज़्यादा बेहतर है या फिर उनकी तरह या फिर उनसे भी ये थोड़ा कम है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे देखकर कि किस तरह से काम करता है। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। देखिए, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, जिससे मेरे पास पहले से पहले एलर्टिंग का है, बिल्कुल वही सेम इसकी पैकेजिंग है, उतना ही साइज है। इस पर लिखा हुआ है प्योर एक्सपेंसिव काजल एंड हिमालय का इस पर टैग लगा हुआ है। ये पूरी तरह से असली है, क्योंकि मैंने इसे एक बहुत अच्छे स्टोर से लिया है जहाँ पर नकली चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि नकली चीज़ आजकल। इस पर भी लिखा हुआ है 100% प्रूफ है ये, वाटर प्रूफ है, 100% नेचुरल ब्लैक कलर है एंड वेट भी लिखा हुआ है इस पर। तो चलिए अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। देखिए ये किस तरह से, ये वही है, इसमें घुमाने वाला सिस्टम है जैसे कि लैक्मी के में, एलेटिन के में। देखिए ये कितना निकलता है, देखिए मैंने इसे पूरा ओपन कर लिया है, और इसमें ये यहाँ से इतना इसमें प्रोडक्ट है, ये इतना इसमें ये इतना प्रोडक्ट निकला है। तो मैं अब इसे बंद कर लेती हूँ। तो मैं इसे अपनी हाथों पे इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ठीक लग रहा है, जैसे कि एलेटिन और लैक्मी का मैंने इससे पहले यूज़ किया है, मुझे उससे भी थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब हम इसे सेट होने देंगे, क्योंकि कोई भी काजल है अगर वो प्रूफ करता है हमें कि हम इस कि वो स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है, तो उसे सेट होने के लिए 3 से 4 सेकेंड का टाइम चाहिए। जब तक एंड ये वन देखो, ये एक बार में नहीं आ रहा है इतना कलर, एक बार में इतना कलर आ रहा है, पर इसे हम 2 से 3 बार करेंगे तो ये डार्क ब्लैक आ रहा है, अच्छा है।
तो मैं इसे अपनी आपको लाइन पे भी आपको लगा के दिखाऊंगी। मैंने इस समय कोई भी काजल नहीं लगा रखा है अपनी आई पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से काम करता है और कितनी इसकी हमें लाइनें लगानी पड़ेंगी। जस्ट एक बार में तो इसका बहुत डार्क ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, पर हम 2 से 3 बार इसे स्मच करेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका कलर आ रहा है। काफ़ी अच्छी तरह से लगा लिया है काजल, तो ये मुझे ठीक लगा, पर ऐसा नहीं है कि एक बार में ही हमें एकदम ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक एकदम इंस्टेंट हमें कलर दे दे, ये अच्छी तरह से ब्लैक को आंखों को कर दे, इतना तो नहीं है। हमें 4 से 5 बार इसे इस तरह से करना पड़ेगा तब इसका इतना ब्लैक कलर आएगा। जैसे कि मैंने यूज़ किया एलेटीन लैक्मी, तो उससे थोड़ा मुझे मतलब 20 से 19 ही मैं इसे पॉइंट दूंगी, 21 नहीं बोल सकती इसे। जैसे वो 20 है तो ये 19 ही है। तो चलिए आप भी देख लेना इसे कि कैसा है ये यूज करके। अगर आप लेना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर एक बार यूज करिए, क्योंकि इसमें एक बात मुझे अच्छी लगी, ये काफ़ी थिक है, इसे हम लगा रहे तो बहुत थिक है ये, तो मुझे ये है कि ये फैलेगा नहीं हमारा किसी भी तरह से बहुत टाइम तक। एंड मैं अब इसके आपको स्मच करके बताती हूँ, मैंने जो काला काजल लगाया था वो अब सेट हो गया है, तो मैं अब आपको स्मच करके बताती हूँ। देखिए स्मच नहीं हो रहा वो बाय कहीं, देखिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ की, क्योंकि जैसे एलेटीन का है तो वो इतना थिक नहीं है, एक बार में अच्छी तरह से आ जाता है, 102 बार में लेयर उसकी आ जाती है, पर ये नहीं आ रही है, इसे 4 से 5 वाला आना पड़ रहा है तब इसकी लेयर आ रही है ब्लैक, तो क्योंकि ये काफ़ी थिक है, देखिए बिल्कुल स्मच भी नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा कर रहे तो बहुत हल्का सा मेरे हाथ पर आ रहा है, देखिए वरना बिल्कुल भी नहीं है, देखिए इतना सा मेरे हाथ पे आया है, ये पूरा तैसा का जैसा है, तो ये काफी